हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सोच रहे होंगे चीज केक जैसी दिखने वाली रेसिपी आखिर है क्या? ये है मैंगो भापादोई, जो कि बनी है सिर्फ चार इंग्रेडिएंट्स से, मैंगो, दही, दूध और चीनी। बेसिकली ये बंगाली डिश है जिसे बनाने के लिए दही को स्टीम किया जाता है, इसीलिए इसको स्टीम्ड योगर्ट भी बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरह से बनाया जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंगो भापादोई बनाने के लिए मैंने 1.5 लीटर दूध से दही बना लिया था और फिर दही को एक पतले कॉटन के कपड़े में बांधकर इस तरह से थोड़ी हाइट पे कपड़े को रस्सी की हेल्प से बांध लिया था। इस तरह करने से दही में जितना भी पानी है वो निकल जाता है। 2 से 3 घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, तब तक मैं आगे के प्रिपरेशन कर रही हूँ। एक पैन में मैं 3 कप दूध ले रही हूँ, 3 कप दूध यानी 750 ml, थोड़ी सी दूध की मलाई भी ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें 3/4 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। दूध को हमें गाढ़ा होने तक पकाना है, जब तक दूध की क्वांटिटी आधी हो जाती है तब तक दूध को बॉयल करना है। चीनी की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा डाल सकते हैं। 10 से 15 मिनट में दूध गाढ़ा हो जाएगा। फ्लेम को बंद करके दूध को किसी बोल में निकालकर ठंडा होने के लिए रख देंगे, चाहे तो फ्रिज में 30 मिनट्स के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दें। अब नेक्स्ट हम मैंगो पल्प बना लेंगे। मैंगो पल्प के लिए मैं एक बड़े साइज का मैंगो ले रही हूँ, उसकी कवरिंग निकाल देंगे और उसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे और फिर मैंगो पीसेस को स्मूथ होने तक ब्लेंड कर लेंगे। स्टीम करने के लिए मैं 7 इंच का केक टिन ले रही हूँ। केक टिन नहीं है तो आप कोई भी फ्लैट बर्तन ले सकते हैं। उसे घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और बॉटम में बटर पेपर लगाकर रख देंगे। सभी प्रिपरेशन मैंने करके रख दी है। दही एकदम थिक हो चुका है, मैंगो पल्प भी रेडी है और चीनी और दूध का मिक्सचर भी रेडी है। इन सभी चीज़ों को हमें एक साथ मिक्स करना है। सबसे पहले दही को चम्मच की हेल्प से अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। आप देख सकते हैं दही में किसी भी तरह का कोई लम्स नहीं है। फिर जो हमने दूध और चीनी का मिक्सचर रेडी किया था उसे दही में ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा करके मिक्सचर ऐड कर रही हूँ ताकि दही और दूध का बैटर एकदम पतला ना हो जाए। अब बचे हुए मिक्सचर को भी ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आखिर में बस मैंगो पल्प बैटर में ऐड करेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एकदम स्मूथ बैटर रेडी है, किसी भी तरह के कोई लम्स नहीं है। अब बस बैटर को हमें ग्रीस्ड केक टिन में डालकर एल्युमिनियम फॉइल से अच्छे से कवर कर लेना है। बैटर को 20 से 25 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर स्टीम कर लेंगे। स्टीम करने के बाद इसे पूरी तरह से ठंडा करना है, इसके लिए इसे फ्रिज में 3 से 4 घंटों के लिए ठंडा होने के लिए रख दें। ठंडा होने के बाद मैंगो भापादोई अच्छे से सेट हो गया है। अब नाइफ की हेल्प से इसके साइड्स छुड़ा लेंगे और एक प्लेट में उल्टा करके मैंगो भापादोई को निकाल लेंगे। मैंगो पीसेस और ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेंगे
और पीसेस में कट करके ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। फ्रिज में 2 से 3 दिन के लिए आप इसे स्टोर कर सकते हैं। लंबे समय तक आप मैंगो भापादोई को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप इसे फ्रीजर में भी रख सकते हैं। मैंगो भापादोई की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जो व्यूवर्स फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।